मैम व्हाट डू यू थिंक अबाउट इस बार आप डीआईडी सुपर मॉम्स जज करने वाली हैं, सो कैसा रहेगा ये? बहुत एक्साइटेड सी फीलिंग है क्योंकि क्योंकि ये सुपर मॉम का स्पेशल है। मुझे ऐसे लगता है कि हमेशा से जो होता है कि भारत में ज़्यादा करके कि एक लड़की जो होती है वो बहुत बेहतरीन बेटी, माँ, बीवी सब कुछ बनती है, बहू सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं उस सब में उसकी ख्वाहिशें, उसकी उम्मीदें, उसके जो ख्वाब होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। मुझे लगता है DID सुपर मॉम एक ऐसा मंच बनेगा कि जिसके ऊपर ऐसी कई औरतें आएंगी और अपने सपनों को साकार होते हुए देखेगी, और ये जो हिम्मत और धैर्य वो दिखाएंगी, कुछों ने 10-10, 12-12 बरस डांस नहीं किया है, कुछों ने कभी डांस नहीं सीखा है, ऐसी कई सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ इस मंच पर आ रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आज के ज़माने में ये शो लोग बहुत पसंद करेंगे। मैम ये कहना चाहूँगा कि अपने कैरियर में इतने पावरफुल रोल के हैं, ये भी एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल होता है जजिंग का, लेकिन आज OTT प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग हो चुका है, फीमेल सेंट्रिक फीमेल बन रही है, क्या कहना चाहेंगे कि बीइंग एन एक्ट्रेस, मैंने हमेशा से ये कोशिश की है कि जब भी मैं करूँ कि ऐसी कोई चीज़ करूँ कि जो पहले ना की हो, तो OTT प्लेटफॉर्म पे भी मेरा आने का पूरा मन है, और मेरा यकीन कीजिए वो जल्दी होने वाला है, और वो जब मैं करूँगी वो भी उतना ही बेहतरीन और शानदार होगा जिसके जैसे कि मेरे पहले के परफॉर्मेंसेस मैंने करने की कोशिश की है। DID लिटिल मॉन्स्टर मॉम्स के साथ ये आपका शो वापस से पोस्टिंग होने वाला है। हाँ, DID सुपर मॉम्स। क्या कुछ अमेजिंग होने वाला है? बस अमेजिंग यही है कि जितनी भी माएँ हैं उनको हम मौका दे रहे हैं, ऐसी बहुत माएँ हैं जो पहले से घर में नाचती थी या फिर यू नो लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, हम उन सबको मौका दे रहे हैं। कुछ ऐसे इंडस्ट्री के भी यू नो बहुत सारे ऐसे डांसर्स हैं जिन्होंने यू नो क्विट कर लिया था, बट दे वर लुकिंग आउट फॉर यू नो अपॉर्चुनिटी कि वापस कम बैक आने का मौका मिल जाए। तो बहुत प्यारी प्यारी कहानियां हैं जहां पर लोगों ने कैसे क्या है कि एक माई होती है जो अपने परिवार के लिए और अपने पूरी फैमिली के यू नो सब कुछ छोड़कर अपना करियर तक छोड़ देती है यू नो सो दैट पूरी फैमिली खुश रहे, लेकिन फिर एक पॉइंट पे उनके हर एक के जहन में आता है कि काश एक वापस मौका मिल जाए जहाँ पर यू नो आई कैन शोकेस माई टैलेंट टू पीपल एंड स्टाफ। तो वही है यहाँ पर, ये सारे जितने भी घर में माएँ बैठी हैं ये उनकी कहानियाँ वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो अलग अलग फील्ड्स में भी, मैं कह रहा सिर्फ डांसिंग में नहीं यू नो अलग अलग फील्ड्स में भी बहुत सारे माओं की अधूरी इच्छा रहती है, तो उनके ये जो सपने अधूरे रहते हैं वो कैसे अभी वापस सपने पूरे होंगे इसकी कहानियाँ हैं। सो मैम आज तो ऑडिशन राउंड है, तो क्या ऐसे कोई क्राइटेरियाज एंड ऑल है कि ये पार्ट होने चाहिए एंड दिस शुड बी देयर? एक 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 धमाका होना चाहिए एज अ परफॉर्मर। मुझे ऐसे लगता है कि वो गाना है जैसे कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, मेरे ख्याल से हर दिल वो प्यार करेगा वो भी नाच के झूम के गाएगा और बताएगा। सो मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है कि जब कोई भी व्यक्ति डांस करता है, मैंने अपने ज़िंदगी में भी अपने हर एक डांस यही सोच कर किए हैं कि जब आप नाचते हो तो आपके साथ साथ सामने वाला झूम उठे और नाच उठे, तो वो क्वालिटी जिसमें होगी वो मेरे ख्याल से हम सबके दिलों के बहुत करीब होगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अभी मैं थोड़ा बहुत छूट करके आया हूँ अंदर। एक तो क्या है कि बीवियाँ हैं जो आ रहे हैं यू नो परफॉर्मेंस करने के लिए, पति इस मूड से आ रहे हैं कि भाई सिलेक्ट हो जाए तो 3 महीने के लिए तो DID के घर पे और मैं आराम से 3 महीने जा चिल मार सकता हूँ। बहुत मर्द जितने भी घूम रहे हैं ना अपनी बीवी के साथ, उनके अंदर मन में चल रहा है कि कुछ नहीं तो ऐसे ही ले लो ऐसे ही रख लो भैया, मैं पैसे दूंगा आपको सिर्फ खाने पीने के खर्चे मैं उठा लूँगा, लेकिन उधर रख दो 3 महीने के लिए, क्या है तो है तो वो मस्ती है। तो मेरे और रेमो सर के भी ये हस्बैंड वाइफ जोक्स बहुत निकले हैं और नेचुरली निकले हैं, सही बता रहा हूँ, ये तो मतलब मेरा फील्ड है हस्बैंड वाइफ जोक्स, तो मुझे तो बहुत अंदर मज़ा आ रहा है और ये क्या है नेचुरली मेरे अंदर से निकल के आता है, इसमें मुझे कोई फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज पता चला है कि सिर्फ मैं अकेला एक अबला मर्द नहीं हूँ जो दुखी है, बहुत सारे हिंदुस्तान में हैं जो चाहते हैं कि ऐसे कोई शो में बीवी 3 महीने के लिए चली जाए ताकि आराम से ये झींगा लाला